Hello everybody, today we will discuss about the moment of force. Moment of force is basically the torque. This is the heading given. Moment of force, I can explain, जैसे कि जब फोर्स किसी कंडीशन पे मतलब कुछ डिस्टेंस पे लगती है तो फोर्स अप्लाई होती है, और इसे राइट हैंड थंब रूल से हम बताते हैं. जैसे कि फोर्स यहाँ से लग रही है, फोर्स इसके आप स्क्रू करेंगे तो अप जाएगा. दिस इज इस तरीके करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से अप जाता है, यही एक्सप्लेन किया है इसमें. अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फोर्स है, जो पी पॉइंट है, यहाँ पर लग रहा है एफ फोर्स, तो आर डिस्टेंस लगाए तो जो नेट रिजल्ट आया वो टॉर्क से रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पर आप अगर देखें टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. जब क्रॉस प्रोडक्ट का हम जो है साइंस का मिलेंगे, अगर कोई एंगल बना रहा है तो एफ आर एफ साइन थीटा, तो इसका जो है थीटा एंगल से बनाना है, और जो नेट रिजल्ट आएगा वो अप डायरेक्शन आएगा, जो कि मैंने बताया. ऐसे करके जाएंगे तो अप. इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है. ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया, अब मैं अगर इंग्लिश में बताता हूँ तो इससे ही चीज़ को इंग्लिश में बताते हैं. लेट अस कंसीडर देयर इज अ फोर्स वी आर अप्लाइंग इन अ प्लेन एज शोन इन द फिगर विद एक्स वाई प्लेन, एंड द फोर्स इज अप्लाइंग एट अ डिस्टेंस बी. देन इफ द फोर्स इज अप्लाइंग विद एन एंगल थीटा, देन इट इज गिवन बाई टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. That if having an angle between then is theta, then it is given by fr sin theta, and we can calculate, and the resultant is goes in z direction. If the force and the position is lies in a plane of xy plane, the resultant is goes in the z direction, and the unit of tau, that means the torque, the moment of force, is known as the newton मीटर. ये न्यूटन मीटर होती है. और मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये काफ़ी एप्लीकेबल है 3D ऑब्जेक्ट्स में, जो हम यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी एप्लीकेबल आती है. और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टॉर्क और द मोमेंट ऑफ फोर्स. रेक्टेंगुलर जो है, हम रेक्टेंगुलर उसमें ले रहे हैं कंडीशन जो है आपका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मीन्स 3D फॉर्म, तो हम 3D में ले रहे हैं 3D और रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ टॉर्क, टॉर्क से रिप्रेजेंट करते से. तो अगर आप देखें टॉर्क जो है इसे ये कैसे लिखा, टॉर्क एक्स, टॉर्क वाई, टॉर्क जेड, कॉम्पोनेंट एक्स वाई जेड. आपने ये वेक्टर नोटेशन तो पढ़ा ही होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी वेक्टर के बारे में समझाया. तो एक्स वाई कॉम्पोनेंट है उसके, ये टर्म जो है ये तो पोजिशन वैक्टर है, एक्स आई y j z k क्रॉस f x i f y j f z k, यानी फोर्स इन x y z एंड पोजिशन इन x y z. तो हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे इसे i j k x y z f x f y s y. पहले इसे अगर हमें इसे खोलना है तो पहले i कॉम्पोनेंट रखेंगे, जिसे आप देखेंगे तो पहले अगर जिन्हें वेक्टर स्केल वेक्टर प्रोडक्ट अगर इसको ना होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे अब जो नेगेटिव आएगा, फिर माइनस माइनस साइन विद जे, तो जे को हम पॉजिटिव कर देंगे तो पहले यहां से क्या आएगा, यहां से एफ जेड एफ एफ एक्स जेड माइनस एक्स एफ जेड, देन के 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 लिए क्या होगा, एफ एक्स माइनस वाई एफ एक्स,
ये जो मैंने कंपोनेंट दिखाए हैं ये आपका जो है वेक्टर प्रोडक्ट में, जब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे खोलने का डिटरमिनेंट खोलने का तरीका बताया है। तो इससे हमें ये 3D और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क मिल जाएगा और हम इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आता है। और जो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इसके प्रॉब्लम्स आती हैं जो कॉम्पिटिशन में बहुत पूछी जाती है तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें जिससे कि उन्हें मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहे जिससे कि वो आराम से सही आंसर देके अच्छे मार्क्स प्राप्त करें और अच्छी पोजीशन ला सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।